प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपको पता है, ये एक फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस से ताल्लुक़ रखने वाला जानदार है, ठीक है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर आज हमें ये देखना है कि ये इसके अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होते हैं, मतलब वैस प्रोडक्ट को ये किस तरह बाहर निकालते हैं। सो आपकी आसानी के लिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा हुआ है, ताकि साथ साथ कंपैरिजन भी हो जाए, ज़्यादा आसान लगेगा कंपैरिजन करते वक्त। एक तरफ ये प्लेनेरिया है, दूसरी तरफ अर्थवार्म है, तीसरी तरफ कॉकरोच है। सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स को बाद में पढ़ेंगे, ये इनवर्टिब्रेट है, सिंपल जानदार है। सिंपल जानदारों में एक्सक्रीशन सिंपल होगा, कोई खास स्पेशलाइज्ड निज़ाम नहीं होगा जैसे हमारी बॉडी के अंदर है। हम तो वर्टिब्रेट में आ रहे हैं, हमारे अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन सिस्टम है। आइए आपको दिखा देते हैं वन बाय वन, जरा आप दिखा देते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया में। ये आपका डायग्राम है, यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपके पास एक लंबा सा ट्यूब है। ये सारा का सारा एक सिंगल लंबा सा ट्यूब है, इसीलिए। अच्छा, इस ट्यूब के जरिए इसकी एक्सक्रीशन होती है, इसीलिए हमने लिखा हुआ है क्या, ट्यूब्यूलर सिस्टम लिखा हुआ है कि एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया इज ट्यूब्यूलर सिस्टम। जब आप एग्जाम में लिखना शुरू करोगे तो आपके जहन में फर्स्ट पॉइंट ये आएगा कि प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटी सिस्टम है दैट इज ट्यूब्यूलर सिस्टम। तो पहला आइडिया ये होगा कि बहुत लंबा सा ट्यूब है, ट्यूब्यूलर सिस्टम। अब इसको मजीद समझाने के लिए आपके लिए मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब्यूल को यह बाहर निकालकर, इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं बाहर निकालकर आपको बड़ा करके दिखाऊंगा। जब आपको बड़ा करके दिखाऊंगा तो ये फिर कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये जो ट्यूब है ये आपको इस तरह से नजर आएगा। ये आपको इस तरह से नजर आएगा, एक छोटा सा हिस्सा वो ट्यूब का मैंने हटा लिया। तो इस ट्यूब के साथ एक सिंगल स्पेशल सेल अटैच है, जिसके पास अपना न्यूक्लियस है और थोड़े बहुत धागे नुमा स्ट्रक्चर है, सीलिया मौजूद है। ये जो एक ये ट्यूब है और इस ट्यूब के साथ एक सिंगल सेल है। आई रिपीट, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के साथ ये वाला यहां से लेकर यहां था, ये एक सिंगल सेल है। इस सेल का नाम है फ्लेम सेल। सेल का नाम क्या है, फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल, इसीलिए इसको फ्लेम कहा गया। फ्लेम आपने देखा होगा, आग के शोले को बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाजुक से धागे नमा स्ट्रक्चर होते हैं, बाल नमा स्ट्रक्चर होते हैं। और ये बाल नमा स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे कि झंडे को हवा लहरा रहे होते हैं, ये भी इसी तरह से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका स्टाइल उस फ्लेम के साथ जो है कंपेयर किया गया, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है फ्लेम सेल। अच्छा, ये तो आ गया फ्लेम सेल। इसी तरह के फ्लेम सेल आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत सारे फ्लेम सेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो फ्लेम सेल हुआ। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब यहां पर आकर बाहर की तरफ ओपन हुआ है। क्या हुआ है, ओपन हुआ है कहां पर, टू आउटसाइड। ये पोर कहां पर होंगे, ये प्लेनेरिया के बॉडी के सरफेस पर होंगे, यहां, ठीक है। तो हर फ्लेम सेल के बाद एक पोर आएगा, और ये पोर कहां पर, इसका रास्ता कहां जाएगा, आउटसाइड द बॉडी, प्लेनेरिया के बाहर गया होता है। अब आपको मैंने ये बताना है कि वेस्ट प्रोडक्ट कहां पर होगी, वेस्ट प्रोडक्ट जाहिर है, वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर होगी, प्लेनर के बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, सॉल्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। और मैं डायग्राम में वेस्ट प्रोडक्ट यहां पे लिखूंगा, ये है आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर पड़े हुए। ये प्लेनेरिया के बॉडी के बाहर नहीं है, सही है,
ये प्लेनेरिया के बॉडी के अंदर है लेकिन ट्यूब के अंदर नहीं आया हुआ है। कचरा है अंदर लेकिन ट्यूब के अंदर नहीं हुआ है। ट्यूब के अंदर कैसे आएगा? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये पानी के अंदर पड़ा हुआ है, लिक्विड फॉर्म है। तो ये जो सीलिया है ये इस तरह से बीट करते हैं, इनकी बीटिंग से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या करेगी, ये अंदर आएगी इस फ्लेम सेल के थ्रू। फ्लेम सेल के थ्रू क्या करेगी, अंदर आएगी। अंदर आएगा तो वो अपना एक्शन जारी रखेगा, फ्लेम सेल उसको पुश करता हुआ ये इस नाली के अंदर आएंगे और इस नाली से फिर बाहर जाएंगे। ये जो सुराख है ये प्लेनेरिया के बॉडी के सरफेस पे हैं, इसीलिए जो कचरा अंदर था वो नाली में आया, इस नाली से फिर उस पोर के थ्रू निकल जाता है। उस पोर का नाम क्या है, ओपन टू आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर। ये पोर प्लेनेरिया में एक होगा, सिर्फ एक पोर होगा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के बहुत सारे फ्लेम सेल्स हैं तो बहुत सारे पोर्स भी होंगे। सो कचरा इधर से निकल आएगा, थोड़ा सा गौर से देखिए, कुछ कचरा यहां से बाहर आएगा, कुछ यहां से बाहर आएगा, तो पूरी बॉडी के सरफेस से कचरा बाहर आएगा, क्योंकि बॉडी के सरफेस से क्या है, छोटे छोटे सुराख होते हैं। हर सुराख कहां पे कनेक्ट है, फ्लेम सेल के साथ। सारा कमाल किसका है, फ्लेम सेल का है। फ्लेम सेल का काम क्या है, कचरे को उठा के अंदर लाना और फिर उसको इस पाइप के जरिए से सुराख से बाहर निकालना। तो हमने इस पूरे पूरे नालियों का जो ये इधर बहुत सारे नालियां नहीं, एक सिंगल बड़ी सी लंबी सी नाली है, इस एक सिंगल बड़ी सी नाली को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ट्यूबुलर सिस्टम। और उस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर क्या चीज है, फ्लेम सेल है। और आप ट्यूबुलर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम मतलब ये पहले पहले जानदार आया दुनिया में, पहले के अंदर के एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो थोड़ा पुराना था, तो इसका नाम क्या रखा गया, प्रोटोनेफ्रिडियम। अब आप ये मत सोचे कि ये प्रोटोनेफ्रिडियम पे कौन सी बला है, प्रोटोनेफ्रिडियम इसी चीज का दूसरा नाम है। या ये जो पूरी की पूरी जो नाली आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिस्टम। अब आप जरा कंपेरिजन करते जाइए, मजा आएगा। दूसरे ग्रुप की तरफ जाए, सेकेंड कौन है, अर्थवाम। अर्थवाम किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, इनवर्टिब्रेट है। फाइलम कौन सा था, फाइलम एनेलिड है, अर्थवाम से यहां से। तो अर्थवाम के अंदर फर्स्ट टाइम अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग पहले क्या लिखोगे, अर्थवाम हैज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लेकिन फर्क बताता हूं, प्लेनेरिया में एक सिंगल लंबा सा ट्यूब था, अर्थवाम रेलगाड़ी की तरह उसमें बहुत सारे डब्बे हैं, हर डब्बे के अंदर एक एक पाइप पड़ा हुआ है, ट्यूब्यूल पड़ा हुआ है। तो इसके और प्लेनेरिया में फर्क क्या हुआ, उसमें एक पाइप है इसमें बहुत सारे पाइप हैं, तो मैंने क्या नाम दिया, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। इस डब्बे के अंदर अपना ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इस डब्बे के अंदर अपना ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। इस डब्बे से अगर वेस्ट कचरा निकल रहा है तो इस डब्बे से भी कचरा निकल रहा है, हर डब्बे से अपना अपना कचरा जो है निकलेगा और कलेक्ट करेगा। इसको मजीद आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, इसी अर्थवर्म का डायग्राम मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। ये अर्थवर्म का एक डब्बा है, दूसरा बहुत सारे डब्बे, बीच में एक पर्दा है, उस पर्दे का नाम क्या है, सेप्टम, सेप्टम। और कचरा कहां पर पड़ा होगा, एक्सपेक्ट करेंगे वो इस डब्बे के अंदर पड़ा होगा। इस डब्बे का नाम क्या है, सीलम। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है वैसे, सीलम। सीलम पर मैंने अपने अपने वीडियोस बनाए हुए, पिछले वीडियोस में आप लोग कभी भी देख सकते हैं कि सीलम क्या है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में किंगडम एनिमिलिया सही नहीं पढ़ा हुआ है तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वो पढ़ लें। सीलम ये है, सीलम के अंदर पानी है, उस पानी का नाम क्या है, सीलुमिक फ्लूइड, सीलुमिक फ्लूइड। इसी फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, सॉल्ट वाटर। ये सर आप लोग याद रखें, मोस्टली यूरिया साल्ट वाटर जो है ना मोस्टली इनके वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाता है, यूरिया साल्ट वाटर, बट यूरिक एसिड नहीं, ठीक है, यूरिक एसिड नहीं है इन दोनों में, यूरिक एसिड नहीं। यूरिक एसिड सिर्फ काक्रोच के लिए है,
यूरिया इन दोनों में आ सकता है, ठीक है, यूरिया और अमोनिया। जितना ज़्यादा पानी में रहेगा उसमें आप एक्सपेक्ट करें उसमें अमोनिया होगा बतौर कचरा। जैसे जैसे जानदार पानी से बाहर आएगा, थोड़ी सी खुश्की वाले माहौल में आएगा, यूरिया होगा, और अगर जानदार बहुत ज़्यादा खुश्क माहौल में रह रहा है यूरिक एसिड होगा, ठीक है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में पेश कर चुका हूँ। अमोनिया जो बहुत ज़्यादा वाटर में रहते, जैसे फिश बहुत ज़्यादा पानी में, तो उसमें अमोनिया है, और दूसरा जो थोड़ी सी खुश्की पर आएंगे यूरिया है और यूरिक एसिड है। तो जाना इसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा। अच्छा, ये बताना ज़रूरी है कि अर्थवर्म के अंदर उस सिस्टम का नाम क्या है जिससे कचरा निकलता है। एक तो आपने कहा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसका अपना नाम क्या है, मेटा नेफ्रिडियम। प्रिनेरिया में उसका नाम क्या था, प्रोटो नेफ्रिडियम, इसमें इसका नाम क्या है, मेटा नेफ्रिडियम। अब मैं आपको एक मेटा नेफ्रिडियम बता देता हूं, ठीक है। एक नेफ्रिडियम में क्या होता है, एक सिंगल पाइप होता है और वो यहां से भी ओपन, इसके दो साइड, एक पाइप के दो सिरे होते हैं, यहां पर भी ओपन है, वहां पर भी ओपन है। तो आई थिंक इस पाइप और उस पे फर्क भी नजर आया, वो सिर्फ बाहर की तरफ ओपन था, ये दोनों तरफ ओपन है। पहले वाला जो ओपनिंग है वो इस डब्बे के अंदर पड़ा है, उसका नाम क्या है, नेफ्रोस्टोम। इसका शेप फनल देखा है आप लोगों ने, फनल, बिल्कुल सबने देखा होगा, फनल की तरह शेप है, तो इसका क्या नाम है, नेफ्रोस्टोम। और नेफ्रोस्टोम के बिल्कुल अंदर आपको क्या मिलेंगे, सीलिया नजर आएंगे। सीलिया हमेशा क्या करते हैं, बीट करते हैं। तो ये सीलिया क्या करेगा, ये सीलिया जो यहाँ पर जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो पानी के अंदर है, पानी और वेस्ट प्रोडक्ट दोनों इधर शामिल हो जाएंगे, किस में आ जाएंगे, ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। किसकी मदद से आएंगे, सीलिया की मदद से आएंगे। अब वो ट्यूब के अंदर है, ट्यूब जाता हुआ इसके अंदर से कचरा मूव करेगा। लेकिन अब स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ये जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये थोड़ा एडवांस है प्लेनेरिया वाले से। क्यों एडवांस है, वो एडवांस मैं बताता हूँ, वो यहाँ से जुड़ते हैं। इसके ट्यूब के आसपास खून की नाली भी है, क्या चीज़ है, ब्लड वेसल है, कैपिलरीज है। और वो क्या करते हैं, वो इस ट्यूब में से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ इसके अंदर कचरा भी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अहम ज़रूरी चीज़ें भी आ गए, ग्लूकोज है, वाटर है, वो भी आ गए, वाटर भी है। तो उनको हमने यहाँ से क्या करना था, निकाल देना है। वो यहाँ से क्या करेगी, ब्लड में आएगी, वापस ब्लड में आएगी, जरूरत की चीजें ब्लड में आएगी। ये कोई एडवांस फ्यूचर है कि नहीं है, जो कि प्लेनेरिया में नहीं था। प्लेनेरिया साइंस के नजरों में कि वो बहुत शुरू वाले जानदार है, बड़े सिंपल जानदार थे प्लेनेरिया, इसी उसमें इतना एडवांसमेंट नजर नहीं आ रही। प्लेनेरिया के बाद का जो फाइलम है उसमें थोड़ी एडवांसमेंट आई है, वो एडवांसमेंट आपको ये नजर आई कि भाई ब्लड वेसल है, वो क्या करते हैं, जरूरत की चीजों को रीअब्जॉर्व कर लेते हैं। और जो कचरा है, कचरा इधर ही रहेगा, इसी पाइप के अंदर रहेगा, और आखिरकार कहाँ से निकलेगा, आउटसाइड, जो अर्थवर्म के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं वहाँ से निकल जाएगा। उस सुराख का नाम क्या है, नेफ्रिडियो फोर। तो नेफ्रोस्टोम इन हो जाते हैं उससे कचरा, नेफ्रिडियो फोर से कचरा बाहर जाएगा। ज़रा एक बात देख ले, आपकी बुक में लिखा हुआ है देर आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी जोड़े की सूरत में, जोड़ा कहाँ है, तो एक है। देखो ये एक पाइप है पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, दूसरे पाइप का पहला हिस्सा इधर है, इसीलिए एक चंबर में दो है, एक चंबर में दो पाइप नजर आ रहे हैं। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम हम देंगे, मेटा नेफ्रिडियम। एक है ना, दूसरे को भी क्या बोलते हैं, मेटा नेफ्रिडियम। सबको मेटा नेफ्रिडिया बोलेंगे, सबको मेटा नेफ्रिडिया, एक को नेफ्रिडियम बोलेंगे। अब आपसे शिफ्ट हो जाए, दूसरे ग्रुप पर आ जाए, कॉकरोच की तरफ आ जाए, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच लाल देख तो सबने देखा होगा, अगर आप उसके पर टांगी वगैरह काट के फायर कर दें और उसके जिस्म को आप
अंदर से देखोगे तो उसके बॉडी के अंदर आपको एक बड़ा सा पाइप नजर आएगा, सेम जैसे कि इधर एक छोटी सी नाली, लंबी सी नाली थी, इधर भी थी, यहां पर भी आपको पाइप नजर आएगा, बट ये थोड़ा सा बड़ा पाइप होगा। इसका जो नाम होगा वो होगा माल्फीजियन ट्यूब्यूल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कॉकरोच के अंदर दो सिस्टम आपस में मिले हुए हैं, वहां एक्सक्रीटी सिस्टम अलग था, यहां एक्सक्रीटी सिस्टम अलग है, बट यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिला हुआ है, दो सिस्टम आपस में मिले हुए हैं। तो स्पेशल पॉइंट है यह हमारे लिए आज नोट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खुराक के निजाम का। ये जो पाइप आप देख रहे हैं जिसे मैंने लिखा हुआ है गट, इससे कॉकरोच खुराक भी लेते हैं, खाता भी है, हजम भी करता है इसी पाइप के अंदर, और इसी पाइप के थ्रू जो है कचरा भी निकलता है। तो खुराक भी हजम होता है इसी पाइप से और इसी पाइप से कचरा भी निकलता है। सो दो सिस्टम आपस में मिल गए। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीटी सिस्टम। ये वो वाहिद जानदार है जिसका एक्सक्रीटी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट है, बाकी का अलग अलग था। अच्छा, तो इस पूरे पाइप को हम लोग गट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? गट। गट के तीन हिस्से कर देंगे, तीन हिस्से कर देंगे। शुरुआत में जो है इसको हम लोग कहेंगे फोर गट, फोर गट। बीच में जो आएगा उसको क्या कहेंगे? मिड गट। लास्ट में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? हाइंड गट। एक पाइप है उसकी तीन हिस्से है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। मिड गट के अंदर जो है आपको येलो कलर के ट्यूब्स नजर आएंगे, येलो कलर के ट्यूब्स नजर आएंगे, येलो कलर के, येलो कलर के ट्यूब नजर आएंगे, और वो क्या होंगे? ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन का मतलब क्या है? बंद है। ब्लाइंड इन का मतलब क्या है? बंद है, ठीक है, खुले हुए नहीं है, जैसे कि आपने अर्थवा में देखा खुले हुए थे, नहीं, ये ब्लाइंड का मतलब है बंद है। ब्लाइंड इन नालियां नजर आएंगी, कितनी तादाद में? 15 से लेकर 20 नजर आएंगी। ये जो 15 से लेकर 20 येलो कलर की नालियां हैं, इसका नाम है माल्फीजियन ट्यूब्यूल। तो कॉकरोच के अंदर कचरे को निकालने के लिए क्या है? माल्फीजियन ट्यूब्यूल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैंने बताना है कचरा कहां से आएगा, किधर से जाएगा। आप एक्सपेक्ट करें कि कचरा कहां पे होगा? इस गट के अंदर या गट के बाहर? गट के बाहर, गट के बाहर। यहां पे कचरा पड़ा है, साल्ट वाटर यूरिक एसिड सारे के सारे कहां पे पड़े होंगे? यहां पे पड़े रहेंगे, सही है। अब हमने करना क्या है, ये जो साल्ट वाटर और यूरिक एसिड है ये इस जगह से मूव करेंगे, किसमें शामिल हो जाएंगी? ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगी। ट्यूब्यूल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख के थ्रू अंदर आएंगे, कचरा पानी के साथ आएगा, पानी भी आएगा कचरा भी आएगा। मैं एक चीज और भूल गया, वो ये है कि कॉकरोच में चूंकि ब्लड नहीं होता, ब्लड की जगह उसके पानी का नाम क्या है, कौन बताएगा? गुड, हेमो, हेमोलिम्फ उसका नाम है, हेमोलिम्फ। तो ये जो फ्लूइड है दरअसल ये क्या है? ये हेमोलिम्फ है। हेमोलिम्फ यहां पर इंटर होएगा, इन ट्यूब्यूल के अंदर अंदर जो है हेमोलिम्फ आ गया, सही। अब यहां से ये जो कचरा है ये मूव करेगा आगे की तरफ, मूव करेगा ये और भी आगे की तरफ मूव करेंगे, आखिरकार ये कहां पर आ जाएंगे? रेक्टम के अंदर आ जाएंगे। रेक्टम के अंदर जो है कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जरूरत की चीजें क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। कॉकरोच बेचारे को हमेशा पानी की जरूरत होती है, अगर आपने कॉकरोच से पानी निकाल दिया कचरे के साथ साथ, कचरा भी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, इधर मर जाएगा। कॉकरोच बहुत चालाक है,
ये सारा का सारा पानी कचरे के साथ नहीं निकालता, ये कुछ पानी को कचरे के साथ बाहर फेंक देता है, बाकी पानी को दोबारा क्या करते हैं, री एब्जॉर्ब करते हैं। तो री एब्जॉर्ब कहां पर होती है, यहां पर। इसे मैं निशान लिखता हूं, ये आया बाहर। व्हाट इज मीन बाय दिस, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कचरा पानी की शक्ल में बाहर आएगा या सॉलिड की शक्ल में, क्यों, पानी तो री एब्जॉर्ब हुआ ना, इसीलिए ये कॉकरोच का जो कचरा होता है सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड की शक्ल में कचरे को बाहर निकालेगा। मोस्टली क्या होगा उसका, यूरिक एसिड की शक्ल में जो है वो कचरा बाहर आएगा। तो मेन चीज हमने क्या देखा कि ये जो खुराक का निजाम है, गट खुराक का निजाम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों एक साथ था। फ्लूइड पहले किस में आता है, मालफीजियन ट्यूब्यूल में, मालफीजियन ट्यूब्यूल से वो गट में आएगा फ्लूइड, फिर फ्लूइड मूव करेगा आगे, आगे रेक्टम आएगा, रेक्टम में वहां से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगी और कचरा बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो मेन चीज जो था यहां पर वो क्या था, वो ये नालियां थी, नालियों का नाम क्या था, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या कलर था, येलो, कितने थे, 15 से 20, कहां पर मौजूद था, मिड गट के अंदर मौजूद था। इसके साथ ये तीन के तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बता देंगे।